Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I hope you all are fine. Today we are going to learn how to make a paper flower. For this we need some computer papers. Any color you can take. ये आपके ऊपर depend करता है, आप कोई से भी colors ले सकते हैं. We need scale, scissor, pencil, knife cutter and of course we need some glue. Okay, now जो भी आप paper जिस भी color का आप अपना flower बनाना चाह रहे हैं वो आपने paper ले लेना है. मैं यहाँ पर जो है वो red one use कर रही हूँ. सिंपली आपने जो है वो कंप्यूटर पेपर का एक स्क्वायर पीस कट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर पेपर जो है वो रेक्टेंगल शेप में होता है, तो इसलिए हमें इसको पहले स्क्वायर में कट करना होगा. जितना बड़ा भी आप फ्लावर बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप अपना स्क्वायर कट कर लीजिए. ठीक है, सेम यही स्टेप्स आप फॉलो कीजिएगा. सीजर की मदद से स्मूथली आप जो है वो इसको कट कर लीजिएगा नाइसली. आप चाहें तो अगर आपको सीजर से प्रॉब्लम है तो आप नाइफ कटर भी यूज़ कर सकते हैं. कटर से आप कट कर लेंगे, स्क्वायर पीस आपका कट हो गया है. देन आपने जो है वो सिंपली इसको फोल्ड कर लेना है इन अ ट्राइंगल एंड देन अगेन फोल्ड इट. आपने अगेन फोल्ड करना है और फिर इसी तरह से अगेन इसको जो है वो आपने फोल्ड कर लेना है. ठीक है, सेम इसी तरह से आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं. ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ पर कर रही हूँ मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ. यहाँ पर आपने एक स्क्वायर पीस लेना है, देन यू हैव टू टर्न इट इन अ ट्राइंगल एंड देन अगेन टर्न इट एंड देन अगेन टर्न इट. इतने जो है आपने स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपका जो है वो 8 पेटल्स का जो है वो फ्लावर रेडी हो जाता है, कट हो जाएगा. अगर आप ज़्यादा मज़ीद चाहते हैं तो उसको मज़ीद आप जो है वो फोल्ड कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने क्या कर लेना है कि आपने जो है वो जिस भी आप शेप का जो है वो ड्रॉ करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं अपना फ्लावर, तो आपने वो शेप अपना जो है वो ड्रॉ कर लेना है पेटल का. तो यहाँ पर मैंने जो है वो ड्रॉ कर लिया है. आप सिंपली अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप सिंपली भी डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं और अदरवाइज आप ड्रॉ करके भी कट कर सकते हैं. क्योंकि मुझे आदत है मैं डायरेक्टली भी जो है वो कट कर लेती हूँ. ठीक है, यहाँ पे ये मैंने कट कर लिया है और ये देखिए हमारा फ्लावर जो है वो रेडी हो चुका है. ठीक है, आपने कटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नाइसली करनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप शार्प कटिंग करेंगे इतना ही ज़्यादा आपका फ्लावर जो है वो प्रॉपर और बहुत ही खूबसूरत बन के आएगा. ठीक है, अच्छा चलें अब मैं आपको जो है वो नेक्स्ट फ्लावर बनाना बताती हूँ. सेम यही आपने पैटर्न जो है वो फॉलो करना होगा. सिंपल आपने जो है वो एक स्क्वायर पीस कट कर लेना है, जिस तरह हमने लास्ट वन के लिए यूज़ किया था. ठीक है, और जितना बड़ा भी आप बनाना चाहते हैं उतने उसी के हिसाब से जो है वो आपने अपना फ्लावर जो है वो कट कर लेना है, स्क्वायर सॉरी कट कर लेना है. ठीक है, स्क्वायर कट करने के बाद आपने सेम वही जो है स्टेप्स फॉलो करने हैं. यू हैव टू टर्न इट इन अ ट्राइंगल एंड अगेन टर्न इट. अच्छा, ये कॉर्नर्स का आपने ध्यान रखना है कि कॉर्नर्स जो है वो प्रॉपर मिलने चाहिए, आगे पीछे नहीं. ठीक है, सेम इस तरह से टर्न करने के बाद अगेन टर्न किया है. यहाँ तक हमने अपना लास्ट वाला किया था. ठीक है, लेकिन अब मैं ज़्यादा पेटल का बनाना चाह रही हूँ तो इसलिए मैं इसको मज़ीद जो है वो फोल्ड करूँगी. ठीक है, सेम इसी तरह से आपने भी इसको जो है वो टर्न कर लेना है. टर्न करने बाद आप ये, क्योंकि जो है वो काफ़ी मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है, तो इसकी कटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आपने जो है वो ध्यान रखना है कि इसकी फोल्डिंग प्रॉपर होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं हो. और उसके बाद आपने वही सेम अब जो भी जो है वो शेप देना चाहते हैं अपने फ्लावर को, उसी हिसाब से आपने जो है वो पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद कटिंग कर लेनी. मैंने यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा कोई रिक्वायर्ड नहीं था, मुझे प्रैक्टिस है. तो आप लोग भी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग भी इसी तरह से कर सकेंगे. ठीक है, ये यहाँ पर जो है वो मैंने कटिंग कर ली है और ये आप देख सकते हैं ये मेरे ज़्यादा पैटर्न्स का जो है वो फ्लावर रेडी हो चुका है. ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि ये काफ़ी मोटा होता है, तो थोड़ी सी हमारी शार्प कटिंग नहीं हो पाती है, तो आप दोबारा से उसकी जो है वो मज़ीद शार्प कटिंग कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पर मैं जो है वो शार्प कटिंग कर रही हूँ. लेकिन कटिंग बहुत ध्यान से कीजिएगा, आपका हाथ नहीं कटना चाहिए. ठीक है, और अगर बच्चे कर रहे हैं तो वो अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं, किसी बड़े की हेल्प ले सकते हैं, ताकि आपका जो है वो फ्लावर भी बहुत अच्छा बने और आपको कोई नुकसान नहीं. ठीक है, ओके जी, यहाँ पे हमारे जो है वो फ्लावर रेडी हो चुका है. आई होप कि जो आपको समझ में आ गया हो. अच्छा जी, अब हम जो है यहाँ पर लीफ बना रहे हैं. लीफ के लिए मैंने यहाँ पे लाइट ग्रीन पेपर लिया है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डार्क ग्रीन भी ले सकते हैं या जो भी आपको कलर पसंद है वो आप ले सकते हैं. ठीक है, सिंपली आपने जो है वो एक पेपर जो है वो पीस कट कर लेना है. ठीक है,
जितना भी बड़ा आप जो है वो बनाना चाहते हैं लीफ, मैं जो है वो यहाँ पे बड़ा बनाऊंगी अपने फ्लावर के हिसाब से। तो इसी हिसाब से मैंने जो है वो यहाँ पे पेपर लिया है, ठीक है। आपने सेम इसी तरह से जो है वो स्टेप्स फॉलो करना है। मैंने इसको 4 times जो है वो फोल्ड किया है, ठीक है। तो इस तरह से मेरे जो है यहाँ पे 4 जो है वो लीफ आराम से जो है वो रेडी हो जाएंगे। सेम ऐसे करना है आपने, रेक्टेंगल में जो है वो टर्न करना है, और टर्न करने के बाद आपने जो है आप डायरेक्टली जो है वो कटिंग भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपना जो है लीफ का पैटर्न ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, उसके बाद आप जो है इसकी कटिंग कर लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर जो है वो कटिंग कर ली है, ये देखें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं जो है वो नेक्स्ट जो ये सिंपल लीफ बनाया है, इसके अलावा यहाँ पर जो है वो दूसरे लीफ होते हैं जिसमें जो है वो कट आ रहे होते हैं, तो यहाँ पर जो है आपने सेम वही आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। आपने इस तरह से जो है वो पतला सा जो है वो फोल्ड कर लेना है पेपर को, एंड देन आपने वही अपना पैटर्न ड्रो कर लीजिए, ठीक है। जो आपका जो शेप है लीफ का, ड्रो करने के बाद आप चाहें तो पूरा जिस तरह जो हमारे पास कट वाला जो लीफ होता है वो ड्रो कर लें, अदरवाइज आप जो है वो सिंपली डायरेक्टली भी कट कर सकते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको जो है वो डायरेक्ट भी आप कर लेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने आपके लिए यहाँ पे जो है वो ड्रॉ कर लिया है, आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो है सिंपली आपने जो है वो सीज़र की मदद से इसी पैटर्न पे अपने जो है वो सीज़र रखने के बाद आपने जो है वो कटिंग कर दी जानी है, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है क्योंकि मैंने अपोजिट साइड पे जो है वो ड्रॉ किया है, तो इसलिए मैं उसको टर्न करके जो है वो कटिंग कर रही हूँ डायरेक्टली। तो अगर डायरेक्टली भी आप कटिंग कर रहे हैं तो जिस तरह मैं यहाँ पे फॉलो स्टेप्स कर रही हूँ, आपने भी ऐसे करना है कि सिंपली आपने शार्पली जो है यहाँ पे कटिंग कर ली है, उसके बाद फिर बारीक सा जो है वो कट लेने के बाद अगेन उसको जो है वो कट कर लेना है। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से आपने जो है वो पूरे लीफ पे इस तरह से आपने उसका जो है वो पैटर्न दे जाना है। अब हम जो है वो अपने फ्लावर को जो है वो असेंबल करेंगे, ठीक है। असेंबल के लिए मैं यहाँ पर जो है वो मैंने डिफरेंट कलर के जो है वो फ्लावर मजीद कट कर लिए थे, ठीक है। तो आप भी अपने कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से जो है वो ले लीजिएगा। यहाँ पर मैं जो है वो मैंने पिंक ये एक आपने काटा था, लेकिन जो है मैं ये यूज़ नहीं करूँगी। मैं यहाँ पर जो है वो येलो एंड रेड के कंट्रास्ट में जो है यहाँ पे फ्लावर रेडी करूँगी। सिंपली आपने जो है वो गम लेनी है, गम जो है वो बीच में आपने हल्की सी लगाने के बाद आप जो भी आप फ्लावर पेस्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर आप पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। और पेस्टिंग भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो लीफ के ऊपर लीफ रख लीजिए, ठीक है। पेटल्स पे पेटल्स भी रख सकते हैं, अदरवाइज जो है वो आप जिस तरह मैं जो है वो इनके बीच में रख रही हूँ थोड़ा सा आगे पीछे करके, तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं, ठीक है। और ये कंट्रास्ट भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो कंट्रास्ट में आप बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप जो है अपना फ्लावर बना सकते हैं, उसी हिसाब से आप अपने फ्लावर को असेंबल कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है वो सारे जो अपने मैंने फ्लावर कट किए थे छोटे बड़े हर साइज के, वो मैं यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो है वो आप हम लीफ भी जो है वो पेस्ट कर देंगे। पोजिशन में लगाने हैं जिस तरह आपको पसंद हो आप उस तरह से लगा सकते हैं, मुझे यहाँ पे इस तरह से बेहतर लग रहा है तो मैं इसी तरह से जो है वो उसको पेस्टिंग कर रही, ठीक है। आप सिर्फ 2 भी लगा सकते हैं और ज़्यादा भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर जो है वो 3 लीफ जो है वो पेस्ट करूँगी। फ्लावर जब आपका जो है वो पेस्ट हो जाए तो उसके बाद आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है, ताकि वो जो है वो ड्राई हो जाए। जब वो ड्राई हो जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने कुछ पेटल को जो है वो टर्न किया हुआ है, तो ये जो आप टर्न है आप इसको पहले भी टर्न कर सकते हैं, ठीक है, और चाहें तो फ्लावर पेस्टिंग के बाद भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पेस्टिंग के बाद कर रही हूँ, तो सिंपली आपने क्या कर लेना है कि आपने जिस भी पेटल को आप टर्न करना चाहते हैं तो उस पेटल को आपने अपने थंब की मदद से प्रेस करना है, और कोई भी नाइफ या सीजर या कोई शार्प कोई भी आपकी पेंसिल वगैरह उस पर आपने प्रेस करने के बाद आहिस्ता से जो है वो इसको आपने प्रेस करते हुए खींचना है बहुत ही आराम से, ठीक है। ध्यान रहे कि आपका जो है वो लीफ फटे नहीं या कोई भी आपका जो पेटल है वो फटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपने इसी तरह से जो है वो अपने स्टेप्स को जो है वो फॉलो कर लेना है और तमाम इसी तरह से पेटल्स को जो है वो टर्न कर सकते हैं। आप ये पेटल्स जो है वो
ऊपर के साइड भी टर्न कर सकते हैं और नीचे के साइड भी टर्न कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत ही आराम से कीजिएगा, अदरवाइज़ जो है वो आपका पेपर फट भी सकता है। और ये इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका पेपर ड्राई हो जाना चाहिए, या आप पहले ही इसको कर लीजिए स्टेप्स को, फिर बाद में आप जो है वो पेस्टिंग कर। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे तमाम पेटल्स को जो है वो टर्न कर लिया है। कुछ मैंने जो है वो अपर के साइड पे जो है वो टर्न किए हुए हैं, कुछ जो है वो मैंने नीचे के साइड पे जो है वो टर्न किए हुए हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह आपको अच्छा लगे उस साइड पे आप जो है वो उसको टर्न कर लीजिए। जिस तरह नेचुरल फ्लावर में हम देखते हैं कि उस तरह से कुछ पेटल्स जो है वो ऊपर के साइड पे होते हैं, कुछ नीचे के साइड पे। आई होप कि ये आपको जो है वो समझ में आ गया होगा फ्लावर बनाना। मज़ीद हम इस तरह के फ्लावर आपको बताते रहेंगे। और अगर आपको हमारा जो है वो अच्छा लगा है तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जब तक के अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।